नगर निगम चुनाव की मतगणना का कार्य आज पूरा हो गया। भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया, जहां भाजपा मेयर प्रत्याशी अवनीत कौर ने 74,940 वोटों के अंतर से अपनी जीत दर्ज करवाई। वहीं निगम पार्षद की 26 में से 22 सीटों पर भाजपा पार्षद प्रत्याशी भी अपनी जीत दर्ज करवाने में कामयाब रहे। 3 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। वार्ड 14 में नीरजा सिंगला, वार्ड 18 में पंकज शर्मा व वार्ड 22 में भाजपा प्रत्याशी शबनम आर्य चुनाव हार गई। वहीं वार्ड 15 में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को भी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। वार्ड 14 में भाजपा की टिकट ना मिलने से बागी हुई शकुंतला गर्ग ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और कांग्रेस की एकमात्र सीट जीतने वाली उम्मीदवार बनी। वहीं वार्ड 18 से आजाद उम्मीदवार बलराम मकोल, वार्ड 15 से भाजपा के बागी अशोक छाबड़ा की पत्नी सुमन छाबड़ा व वार्ड 22 से आजाद उम्मीदवार चंचल डावर ने अपनी जीत दर्ज कराई। कैसा लग रहा है आपको जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने वोट जीते आप? 1547। कौन से वार्ड से जीते? वार्ड नंबर 1 से। क्या प्राथमिकताएं रही कार्य को लेकर आप? जो भी कोई काम है, जो भी जनता का कोई भी काम रह जाएगा कुछ भी, तो सारा मैं पूरा करूंगी। हमारे वैसे तो हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छे काम कराए हैं और करा भी रहे हैं, बाकी कोई कुछ भी रह गया तो मैं वो सारे काम कराऊंगी। आपकी जीत के पे क्या कहना? ऐसा दूसरी सीट नहीं, सारी की सारी सीटें भाजपा को आएंगी। क्योंकि वोट से जीते 1300 के वार्ड के आपने विकास के नाम पर वोट लिए, तो क्या कैसे क्या करेंगे? वार्ड से मैंने जो वोट लिए उन्होंने धोनी भर के वोट दिए, उनके किसी काम में आना का नहीं। जो भी काम पूरे दिन रात के काम पूरे कराऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के भगवान पानी में गंगा जाएगा, मैंने पहले भी कहा है। आप रिजल्ट आने के लिए एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जीत है, उनकी साफ नीयत की जीत है, ईमानदारी की जीत है। अभी मैं और कुछ नहीं कहूंगा, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आपसे मिलते रहेंगे। मेरी जनता का है, मेरे वार्ड वासियों का। इन्होंने विरोधियों ने सबसे ज्यादा अशोक नारायण की जमानत जब्त की, मेरे को अपनी जनता पर विश्वास था और मैं विजयी होकर बाहर निकला। 1730 वोट जुटे। कितने वोट पड़े आपको? टोटल वोट है ये पर कन्फर्म सब बाहर का दे दे अपने जीत के बारे में जनता को। मैं सारा श्रेय जनता को दूंगी, अपने वक्त वासियों को दूंगी। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हमें बहुत प्यार दिया। अब क्या क्या काम करवाएंगे वार्ड में? जो काम नारंग जी ने अधूरे छोड़े हैं, मैं उन मेन काम सफाई का और गंदे पानी का है, उसको करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। कौन से वार्ड से, क्या नाम है? वार्ड नंबर 2 पवन गोगलिया। तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी काम करने की? सर, जितने भी कार्य भूतकाल MC के द्वारा हमारे वार्ड में छोड़े गए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में वार्ड नंबर 2 में सभी विकास कार्यों को पूर्ण रूप से अंजाम दूंगा। वार्ड के सुनियोजित विकास के लिए जनता को साथ लेकर जनता के मिलजुल कर उनके साथ योजना बनाई जाएगी। वार्ड संचालन समिति का गठन किया जाएगा। सैनिटेशन की जो हमारे वार्ड की समस्या है उसका हल किया जाएगा। अशोक कटारी, वार्ड 7। वार्ड 7, सर आगे अपना कार्य क्या रहेगा? आगे देखिए, मेरे पिछले वार्ड का कुछ हिस्सा आया, नया वार्ड मिला है मेरे को, जहाँ जो भी कमी रही है, चाहे पानी की निकासी की रही है, चाहे पीने के पानी की रही है, उनका समुचित प्रबंध करवाया जाएगा। और जो भी वहाँ चाहे बिजली के तार हैं, लाइट के जो 2 जगह की लाइट है, एक शाहजपुर सब डिवीजन की, किला सब डिवीजन की, मेरा प्रयास रहेगा कि किला सब डिवीजन से उसको जोड़ा जाए। आप क्या नाम? वार्ड नंबर 8 से चंचल देवी सैगल। सबसे पहले तो मैं पानीपत के सभी सम्मानित मतदाता, बंधु, भाजपा के कार्यकर्ता बंधु, अपने भाई आदरवा सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्ग, मेरे सम्मानित भाई, इन आप सभी का आशीर्वाद सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने मीडिया कर्मियों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। ये चंचल सैगल की जीत नहीं, ये पूरे वार्ड की, ये सब कार्यकर्ताओं की जीत है। अच्छा, क्या कार्य रहेगा भाग्य आप? समाज सेवा। पहले फर्स्ट टाइम कौन सा काम कराएंगे आप? सफाई, स्वच्छ अभियान।
आपको बोले वैसा नहीं तो बोल राम जी, आप कौन से वार्ड से हैं सर? 18 आजाद उम्मीदवार। हेलो आजाद उम्मीदवार, किस तरह का कार्य रहेगा आपके वार्ड में, किस तरह लोगों के? सर हमारा मेन कार्य है जो गरीब लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, छोटे मोटे काम जिनके राशन कार्ड तक नहीं बन पाते हैं, पीले कार्ड नहीं बन पाते हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। मेन मकसद हमारा गरीबों से जुड़ा। ठीक, कितनी वोटों से आप जीते? 2089। कुमार जी, क्या कार्य रहेगा आपका वार्ड में? हमारा सफाई अभियान का है और सबका साथ सबका विकास के तहत हमने वार्ड के अंदर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनका प्रचार प्रसार करना है। क्या नाम आपका? पंडित शिव कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 13। निशा, कितने वोट से बन के आई है? 1492 से जीते हैं जी। 1492 से? हाँ जी। और कौन से वार्ड से? वार्ड 19। क्या मतलब, क्या लोगों से वोट मांगी, क्या कह के लोगों से वोट मांगी? हाथ जोड़ के वोट मांगे जी। बस कार्य क्या कराओगे लोगों के? कार्य ये करवाएंगे जी, जो अपना सुधार करवाएंगे, और जो बड़े बुजुर्ग हैं परेशान रहते हैं पेंशन के लिए, उनकी पेंशन के साथ उनको पेंशन बनवाएंगे और उनकी परेशानी ना हो, इस तरह के अपना काम। इस वार्ड से आपके पापा भी मंगत राम जी पार्षद रहे हैं, उन्होंने भी काफी काम कराए हैं, तो क्या उसका भी आप अपने पापा को श्रेय देंगे? सारा श्रेय उन्हीं का है जी, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के नाम पर सब कुछ है। मतलब आप कहना चाहते हैं मंगत राम जी, मंगत जो मंगत राम जी है उन्हीं का अनुभव और उन्होंने जो काम करे उसी के लिए ये सीट निकली है। ठीक, तो किस तरह का क्या कार्य रहेगा बाकी का आपका? आप सब कार्य बताएंगे जी, आपको सब बताए, सब काम करेंगे। तो ये इतनी बड़ी 7700 जीत कितने की हुई है? 4800। तो इतनी बड़ी जो जीत पानीपत में आपकी हुई है, उसको आप किसको श्रेय देते हैं? आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और उस पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण उन्होंने जिस प्रकार के विकास और जिस प्रकार से लोगों के दिलों को जीता, ये एक पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है और पार्टी के कारण ही हमारे को जीत मिली। तो दूसरी बार आप पार्षद बने जी, तो आपको लगता है कि आपके काम को लोगों ने पसंद किया है? देखिए, लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वार्ड के अंदर बहुत विकास करवाया और आने वाले टाइम में हम लोग बहुत विकास करवाने वाले हैं। ये आपको अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर आपको पता लग ही गया होगा। आगे की प्रायोरिटी क्या रहेगी अब आपकी? देखिए, 5 साल आपने वर्किंग की है, उसमें क्या ऐसी आपको कमी लगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, मुख्य रूप से पिछले 5.5 वर्ष में मुख्य रूप से कई सरकारें आई कई गई, लेकिन 50 वर्ष से मॉडल टाउन क्षेत्र के अंदर जितने भी सड़कें थी, रोड्स थी, वो टूटती गई, बनती गई, लेकिन जो एक मूलभूत जो सुविधाएं हैं, भाई वहाँ पे सीवरेज का ना होना, वहाँ पे पानी के पाइप का ना होना, वहाँ पे बिजली के खंभे का ना होना, इस प्रकार की बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी जो लोगों को नहीं मिल पाई थी, हम लोगों ने वो सब पूरी कर दी हैं। अब आने वाले टाइम में हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमराज, हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के ऊपर और एक ग्रीन मॉडल टाउन, ग्रीन पानीपत का नारा देते हुए आगे हम लोग विकास कार्य करेंगे। आपको लगता है मॉडल टाउन में सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त है? देखिए, लगभग 90-92% सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। 90-92 जी, और जो थोड़ी बहुत रह गई है, कुछ अग्रसेन कॉलोनी की है, कुछ और हमारे जो नया क्षेत्र हमारे में जुड़ा है, उसको भी हम चंद दिनों के अंदर इसको हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। अब किस तरह का कार्य रहेगा आपका उस एरिया? पहले भी डेवलपमेंट मुद्दा रहा है, अब भी डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा। जो पिछले प्लान में कुछ कार्य रह गए होंगे, मेरे पिछले प्लान में कोई कार्य नहीं रहे, जो कार्य नया वार्ड जुड़ा है उस नए वार्ड में डेवलपमेंट करना मेरा मकसद रहेगा। उसका कारण है कि वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। जो वार्ड नंबर 23 था पहले, उसका आधा हिस्सा मेरे वार्ड नंबर 25 में आया है। वहाँ पर एक रिफाइनरी की पाइपलाइन है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात गंभीर हैं। उसके ऊपर मैं ऐसे ही पार्क बनाऊंगा जैसे मैंने रेलवे लाइन पर मनोहर पार्क बनाया था, उसके मैं प्रयास करूँगा। पिछले वार्ड के अंदर जो भी तो आप नाराज होके भाजपा से निर्दलीय लड़े, क्या कहना? नाराज नहीं हूं किसी से। आदरणीय आरओ साहब से अनुरोध है कि कृपया हाल नंबर 1 बी में आए। वार्ड नंबर 17 की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, केवल वापस जाएंगे, घोषित करना बाकी है। इसको मैं वापस जाएंगे, मैं दोबारा पुनः अनुरोध करता हूं कि इसी साहब अगर कहीं आप, मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूं। वार्ड नंबर 22 बीजेपी के नेताओं से बातचीत, शबनम बीजेपी को 813, बीजेपी किरण बाला 1350, रिजल्ट चंचल 1830, अशोक जी आप बता, नीलम इंद्र जी आप आज दलित समाज की काफी वोटिंग हुई है, ममता क्या कहना चाहोगे इस बारे में? 228
भारतीय जनता पार्टी ने चार दलितों को, चार पांच दलितों को और उसमें चारों पांचों ही दलित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं। पुलिस एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी कितनी सीटें आई हैं? देखो बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है, जो हमारे साथियों का साथ था, एक तरफ उत्साह था, उसी तरह के हमारे रिजल्ट आए हैं पोलिंग में। जो भी है हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है, शहरवासियों के लिए, शहर में एक तरफा वोट हुए हैं, उससे समाधान भी होगा और हमारे MLA साहब की जो पूरी मेहनत है और पूरे भी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जो पूरी मेहनत है वो सफल हुई है। हाँ भाई, 24 वार्ड से जी, रंजीत कौर नाम। अच्छा जी, तो अब आगे क्या कार्य रहेगा वार्ड में, लोगों की कैसे समस्या? वार्ड में लोगों की असल में तो जी सारे मेरे पति ने विधायक जी ने सारे काम कर सके तो रह रहे हैं, वो उनका करेंगे सारा काम, गलियों का नालियों का तो भी रह रहे हैं सारे काम। जीत के आ रहे हैं, अब क्या कार्रवाई करेंगे आप अपने विकास नगर में? जितने भी विकास कार्य बचे हुए हैं जी, जो भी स्टार्ट पहले से किए हुए यहाँ अधूरे हैं, वो सब काम पूरा करने का काम किया जाएगा। लाइटें वगैरह जो भी कॉलोनी में विकास कार्य बचे हैं, या लाइट है, या गली है, या सड़क है, या ट्यूबवेल है, सभी काम पूरा किया जाएगा। विधानसभा में उसके परिप्रेक्ष्य में क्या नजर आ रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी 70 सीट जीत के अपनी सरकार बनाएगी। मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि मीडिया के लोग, आप लोग भी मेरे से यही सवाल करते थे कि कहाँ से 70 जीतेंगे। हम लोग जनता के विश्वास के आधार पर 70 सीट जीत के दोबारा सरकार बनाएंगे। ये जो हमारी प्रचंड जीत हुई है, इस जीत में आज हुड्डा की और चौटाला जी की आज खटिया उनके नीचे से सरक गई है, उनको पता लग गया है कि उनका जनाधार कितना है। जिस प्रकार के वो अनर्गल बयानबाजी करके, झूठ बोल के, लोगों के साथ ठगी करके, चोरी करके, लोगों की भावनाओं के साथ जो लोग बलात्कार करते थे, हरियाणा की जनता उनको समझ चुकी है और उसका नतीजा है कि सीधे और सच्चे लोगों को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण हमारी ये प्रचंड जो बहुमत हम लोगों को मिला है, वो उससे हमें बहुत जनता में और गहरा हमारा विश्वास। नगर निगम में जो आपको प्रचंड बहुमत मिला है, क्या आप लगता है कि लोगों से, जमीन से जुड़ने की और ज्यादा जरूरत आपको महसूस? हम तो जमीन से पहले से जुड़े हुए हैं, हम जमीन से हटे नहीं। हमारा जमीन से जुड़ने का नतीजा ये निकल के आया है कि आज हम लोगों ने यहाँ से सबका कोई नाम लेने वाला बचा ही नहीं। ये तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये कांग्रेस के लोग समर्थित उम्मीदवार ले आए, कोई बैट पकड़ लिया, कोई कुर्सी पकड़ ली, कोई बल्ला पकड़ लिया, कोई सूरज ने पकड़ लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग उठा उठा के आ गए और आज वो आए तो सारे के सारे उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लोगों ने अपना विश्वास दिया, जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद में सब बह गए। ढांडा साहब, अभी आप ग्रामीण क्षेत्र से हो और अब मेयर भी आपका बन गया है और 22 आपके पार्षद आ गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? आपकी हमारी योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं जी। हमने पहले ही जनता से वायदा किया था कि हम आपकी सारी कॉलोनियां वैध कराएंगे, हमने वैध करा दी। हमने वायदा किया था कि उनको पक्की करेंगे, पक्की करा दी। हमने वायदा किया था हम सीवर डालेंगे, वो मंजूर हो गया। हमने वायदा किया था हम पीने के पानी की पाइपलाइन नई बिछा के डालेंगे, वो हमारा मंजूर हो गया। हमने कोई काम छोड़ा ही नहीं, जिस आधार पर ये लोग जाके वोट मांगते, हमारा सारा काम मंजूर हो गया, सारा काम हमारा पाइपलाइन में कुछ काम चल रहा है, हमारा कोई काम बचा ही नहीं है। और हमारा जब कोई काम नहीं बचा, उसी का नतीजा कि पानीपत ग्रामीण से एक भी सीट हम लोगों ने लूज नहीं की, बड़े मार्जिन से हम लोग जीते हैं। साहब एक पेज फंसा हुआ भी बराबर होना चाहिए। शहर में अभी कोई कॉलोनी अवैध नहीं है कि जिसका 120 रुपये के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेज हो। डेवलपमेंट चार्जेज 1000 रुपया था। मैं हरियाणा की विधानसभा में खूब जम के लड़ाई लड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब हमने इस बात को रखा तो हम उसको 360 रुपये गज करवा बैठे हैं। अभी हमारे यहाँ पे पाँचों जगह पे जो हमारे मेयर बने हैं, तो अब हम पानीपत में भी एक हाउस में एक बिल लेके आएंगे और मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा सरकार से ये कहेंगे कि हमारा ये जो डेवलपमेंट चार्जेज इसको और कम किया जाए और मेरी उम्मीद है कि हम 250 रुपये तक इसको करवा लेंगे। धन्यवाद। चुनाव का विरोध कुछ मुझे जानकारी है, जो जो लोग करने वाले थे, पहले तो मैं भी गया था वहाँ पे। जब मैं गया तो मैं तो वहाँ भी बेबाकी से बोल रहा था, मैं कहीं भी जाता हूँ क्योंकि हम पर चोर लुटेरे तो है नहीं, कोई बदमाश तो है नहीं कि भाई हम लोग कोई गलत काम करते हैं और हम कोई किसी से इस तरह की बात करें। हमने तो वहाँ भी बेबाकी के साथ कहा था। उन लोगों की एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई बाबरपुर को वो गाँव में सम्मिलित करा जाए, उसका गाँव बनाया जाए, उसका मैं पक्षधर हूँ। एक दो आदमी जो शरारती थे, जो इधर उधर के लोग थे, जो उन्होंने घुसा रखे थे चुटाला कर कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने कहा जी आप आ जाओ। अरे चाचा 25 बार मैं बाबरपुर मंडी में गया हूँ,
हमने कोई काम ही नहीं छोड़ा था वहाँ पे। और ये जो गांव निगम में आया होता ये कोई मारा भेजा हुआ तो था नहीं, ये भी कांग्रेस की सरकार के अंदर बना था। हमें तो वो अवैध कॉलोनी के रूप में मिला था, हमने तो उसको वैध कराया, और अवैध ही नहीं कराया, उसमें सीवर डले, उसमें पीने का पानी की पाइपलाइन डले, उसका भी हमने तो मंजूर करा के वो भी हमारा काम हो गया। कोई गली हमने वहाँ पे छोड़ी नहीं, सब की सब गलियाँ बन गई। कुछ लोगों का इस प्रकार की सोच रही है कि भाई हम लोग अगर वोट नहीं करेंगे तो सरकार इससे प्रेशर में आ जाएगी। हमने तो उनको कहा था देखो भाई प्रेशर वेशर तो हम किसी का मानते मूनते नहीं, बट एक बात जरूर है कि तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम को हल कराने के लिए महिपाल डांडा एडी से चोटी तक का जोर लगाएगा। और मैंने उनसे कमिट किया है कि हम लोग इस गांव को बाबरपुर को गांव के अंदर लेके आने के लिए सरकार से सिफारिश करेंगे। सर निगमों की जो इनकम है बहुत कम है, अब मेयर आपका है, बजट कैसे बढ़ाएंगे, इनकम कैसे बढ़ाएंगे, क्या सोच रहे हैं? आपको पता है कि विकास पैसे से होता है जी, और पैसा आता कहाँ से? पैसा आता जब आप लोग लक्ष्मी मैया को खुश करके लेके आते हैं। आपने कभी सुना लक्ष्मी कभी हाथ पे बैठ कर आई है? आपने कभी सुना लक्ष्मी कभी हाथी पर बैठ कर आई है? आपने कभी सुना लक्ष्मी कभी चौटाला का चश्मा लगा के आई है? आपने कभी सुना लक्ष्मी कभी मुलायम सिंह का साइकिल चला के आई हो? लक्ष्मी सदा कमल पर बैठ के आती है, कमल खिला तो सब समस्या हल होगा। जीत हुई है, 22 वार्ड आपने जीते हैं, तो क्या महसूस हो रहा है आपको, आगे क्या रहेगा, कार्यवाही कैसे करेंगे? जैसे निश्चित तौर पर जीत तो पक्की थी ही, मगर आज रिजल्ट सामने आया है तो मैं अपनी सभी जनता को जिन्होंने अपने मतों के हिसाब से इतना आशीर्वाद इतना समर्थन दिया है मैं उनका धन्यवाद करूँगी, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं का जिन्होंने एक परिवार के रूप में एक टीम के रूप में सभी पार्षदों का मेयर का एक टीम के रूप में सपोर्ट सिस्टम उनका बने हैं मैं उनका भी धन्यवाद। जैसे MLA के तौर पर आप पर जनता ने विश्वास करके आपको जिताया था, 22 जगह से आपके पार्षद आ रहे हैं, जनता का इतना विश्वास है भाजपा का, तो उस विश्वास के अकॉर्डिंग प्राथमिकताएं क्या रहेंगी नगर निगम को सुधारने में? प्राथमिकताएं वो टीम सेट करेगी, मैं मुझे ये बताया कि हमारी जो भी टीम निगम में बैठेगी वो पानीपत के हित के लिए कार्य करेगी और उनके डिमांड पे कि जो कार्य जनता चाहती है उसी डिमांड पर कार्य। जीत हो ही गई है, ये मेरी जीत नहीं हुई, ये पानीपत की जनता की जीत हुई है, ये सच्चाई की जीत हुई है। इस ऐतिहासिक नगरी में हमेशा सच्चाई की जीत ही होती आई है और आज भी सच्चाई की जीत हुई है, मेरे पापा की ईमानदारी की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कराए हैं उसकी जीत हुई है। अवनीत जी सबसे पहले कार्य क्या रहेगा आपका? सबसे पहले जो भी हमारी टीम निकलेगी, जो हमारी टीम बनेगी, हम हाउस मीटिंग करेंगे आफ्टर 15 डेज, और उसके बाद जो जो हम योजनाएं बनाएंगे, जो जो प्रॉब्लम है वार्ड टू वार्ड, जो प्रॉब्लम हमारे पानीपत की जनता जो अब तक जूझती आई है जिस जिस दिक्कतों से, उनके ऊपर हम योजनाएं बनाएंगे और उसको पहले प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे पानीपत सिटी को क्लीन सिटी बनाने में हमारा हाथ रहेगा कि जैसे एक जो स्मार्ट सिटी में जो हमारे पानीपत का नंबर आता है उसका मेरा मानना ये है कि उसका जो नंबरिंग है वो टॉप पे आ जाए पानीपत जी। आप ये बताइए, आप जगह जगह गए जनसभाओं में, लोगों ने, मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, मुझे ये जो दिन देखने को मिल रहा है इतना पानीपत का जनता का प्यार है और उनका आशीर्वाद है जो मुझे आज यहाँ तक। पहले तो अपनी पानीपत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपनी पूरी बीजेपी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है, जो हमें टिकट दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, जिन्होंने एक अच्छा कैंडिडेट चुना है और उसको टिकट दी है और जिसका आप रिजल्ट आज देख। प्रचार के अलावा मां ने क्या किया अमित कौर के लिए? देखो जी, मैं डोर टू डोर इसके साथ गई हूँ, अगर ये जनसभा में होती तो मैं अपनी एक अलग से टीम बना के चलती थी और सुबह हम 6 बजे घर से निकलते थे और रात को 11-12 बजे तक घर पहुँचते थे। हमने लोगों का सहयोग क्या, हम जहाँ भी जाते थे जी कहते थे आपको आने की जरूरत नहीं है, ये तो सीट पक्की है आपकी, और अमित कौर हमारी अपनी बेटी, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है।